वसई विरार शहर महानगर पालिका क्षेत्र में आज कुल 64 नए कोरोना संक्रमित मामले सामने आए। आज शहर में एक बार फिर कोरोना से दो लोगों की मौत हुई है। आज कुल 35 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और अभी 457 सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज जारी है। आज पाए गए कुल मामलों में वसई से 16, नाला सुपारा से 20, विरार से 24 और नायगांव से 4 मामले पाए गए। वसई के 16 मामलों में सन सिटी से 1, फादरवाड़ी से 1, पाटिल चौल से 1, हम भटवाड़ी से 1, स्टेला से 1, ब्रजेश्वरी रोड से 1, ब्रह्मपुर से 1, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट से 1, मानव मंदिर के पास से 1, साई मंदिर के पास से 1 और शास्त्री नगर से 1 मामला पाया गया। चुल्ले रोड से 1, लाभ कॉम्प्लेक्स से 1 और स्वास्थ्य अपार्टमेंट से 1 मामला पाया गया। नाला सुपारा से आज कुल 20 मामले पाए गए, जिनमें नीलमर से 2, श्रीप्रस्ता से 1, समेतपाड़ा से 1, चटधनगर से 1, कुलिंग रोड से 1, हवाई पाड़ा संतोषगंज से 1, भंडाराली से 1, विनायक अस्पताल के पास से 1, शंकर पार्क से 1, हनुमान मंदिर रोड से 1 और पारस नगर से 2 मामले पाए गए। विरार से आज कुल 24 मामले पाए गए, जिनमें तिरुपत नगर से 1, कैलाश सदन से 1, साई नगर से 1, विराटनगर से 2, मधुचौल से 1। विरार से आज कुल 24 मामले पाए गए, जिनमें तिरुपत नगर से 1, कैलाश सदन से 1, साईनाथ नगर से 1, विराटनगर से 2, मधुचौल से 1, मनवेलपाड़ा से 3, नागेश बिल्डिंग मनवेलपाड़ा से 1, गोकुल टाउनशिप से 1, चंद्रेश्वर नगर से 1, फुलपाड़ा से 3, जेपी नगर से 1, सिद्धिविनायक अपार्टमेंट से 1, वासुदेव अपार्टमेंट से 1 मामला, सेंट्रल पार्क से 2, चिखल डोंगरी से 1 और पांडुरंग अपार्टमेंट से 1 मामला पाया गया। नायगांव से 4 मामले पाए गए, जिनमें सिटीजन सोसाइटी से 1, कोलीवाड़ा से 1 और अन्य 2 मामले पाए गए।